पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्लास 10th में नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। अभी तक हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दिया होता था और हम उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते थे। ओके, अब हम दी गई इक्वेशंस को किससे सॉल्व करेंगे? एलजेब्रिक मेथड से। ओके, थ्री मेथड्स हैं एलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के। मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स एंड मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहला हम करने जा रहे हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए, अब इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, मेथड ऑफ एलिमिनेशन सब में क्यों बोला जा रहा है? क्यों? क्योंकि इसमें क्या करते हैं, हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन से, ध्यान दीजिए जरा, मैं फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू किसके टर्म्स में निकालूंगा, x के टर्म्स में। कैसे निकालूंगा? देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है मेरी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो y को अगर मैं राइट में ले जाऊं तो कैसा हो जाएगा, यहाँ दिस इम्प्लाइज दैट, या आप और लगा सकते हो, y अगर राइट में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस, और नेक्स्ट स्टेप में 2 को कहाँ लाएंगे, लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू y बोलो या y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 बोलो, बात क्या है, सेम। अब देखिए, y का वैल्यू आपने किसके टर्म्स में निकाल लिया, x के टर्म में, ओके। और y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 उठा के ले जाके आप कहां पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट करिए, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ था, x प्लस 2 इंटू y का वैल्यू किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। तो y का वैल्यू x के टर्म्स में कितना है, x माइनस 2, तो ध्यान दीजिए 2 इंटू, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे y का वैल्यू, y कितना है, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, ओके। तो x प्लस 2 इंटू x इज 2x और 2 इंटू 2 इज 4 एंड प्लस माइनस इज माइनस माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3, 2x प्लस x इज 3x, यहाँ दिस इम्प्लाइज दैट भी लगा सकते हो आप, 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3 और 3x इज इक्वल्स टू 4 राइट में जाएगा तो 3 प्लस 4, तो 3x is equals to 7 आ गया, तो x is equals to कितना आ गया, 7 by 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब देखिए, अब समझ में इसका नाम क्यों पड़ा, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एक तो एलिमिनेट किया, मतलब ये दो वेरिएबल की इक्वेशन थी उसमें से हमने y को एलिमिनेट किया, गायब किया, कैसे, फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाल ली, x के टर्म्स में, उठा के सेकंड में रख दी। तो जो सेकंड इक्वेशन थी हमारी, जो कि दो वेरिएबल में दिख रही थी x और y में, अब वो एक वेरिएबल में दिख रही है, चेक करिए, अब एक ही वेरिएबल आ रहा है केवल x x, और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका नाम पड़ा क्या, एलिमिनेशन, कि एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर देते हो किसी भी एक इक्वेशन से, ओके। सब्स्टिट्यूशन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब x की वैल्यू आ गई है मेरी, अब इस x की वैल्यू को उठा के या तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं, और या तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख दूं, और या तो यहां पे ये जो आपने बनाया था y का वैल्यू x माइनस 2 जो बनाया था, या तो आप यहां पे इसको रख दीजिए, एक y इज इक्वल्स टू x माइनस 2, तो y इज इक्वल्स टू, अब हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, आप कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, यहां कर लीजिए, यहां कर लीजिए, या y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 में कर लीजिए, तो आपको y मिल जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या रखेंगे, 7 बाय 3 माइनस 2, तो y इज इक्वल्स टू 2 के नीचे 1 लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, 7 माइनस 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, तो y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6 इज व्हाट, 1 बाय 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1 बाय 3, ओके, समझ में आ गई बात, y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 बाय 3। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू आपने निकाल ली। तो ये फर्स्ट मेथड है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या करते हैं, इसमें दो इक्वेशन दी रहेगी, किसी भी एक इक्वेशन से आप y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लीजिए या x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लीजिए, बात सेम है, ठीक है। फिर आप y इज इक्वल्स टू, जैसे यहाँ x माइनस 2 आया था, तो y की वैल्यू जो x के टर्म्स में है उसको उठा के आप सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए, आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, x की। रुकिए, इसको मैं आपको एक और तरीके से करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मैं एक काम करता यहाँ पर, जरूरी नहीं कि आप y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालो, अभी पहला मेथड देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालो, आप x की वैल्यू y के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, आंसर आपको वही मिलेगा। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं y के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, 2, और y कहाँ चला जाएगा, राइट में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस y। अब ये x, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 भी बोल सकते हैं, अब ये x इज इक्वल टू 2 प्लस y, ठीक है, इसको उठा के अगर आप कहाँ रख दोगे, इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 थी, दिस इम्प्लाइज दैट। अब देखिए, आप यहां किसको बचा के रखना चाहते हैं,
x की वैल्यू अगर आप y के टर्म्स में पुट कर दें, मतलब x इज इक्वल टू 2 प्लस y अगर आप पुट कर दें, तो x की जगह अगर आप 2 प्लस y पुट कर दें, ओके, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 2y प्लस y 3y, और ये 2 राइट में जाएगा तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 इज व्हाट 1, और y कितना आ गया 1/3। अब y 1/3 आ गया, इसको उठा के आप ले जाके थर्ड में रख दीजिए तो x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस y की वैल्यू 1/3, 3 2 6 प्लस 1 7/3, तो आंसर आपको वही मिलता है, चाहे आप x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लो, चाहे आप y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लो। तो इसका नाम मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इसलिए पड़ा बिकॉज एक इक्वेशन से हम या तो y को x के टर्म्स में निकाल लेते हैं या तो x को y के टर्म्स में निकाल लेते हैं और ले जाके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस तरीके से इक्वेशन एक वेरिएबल में बन जाती है और एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, फिर जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो उस वैल्यू को हम ले आके किसी इक्वेशन में पुट करते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, ओके। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमें बहुत ही अच्छा क्लियर होगा। ये फर्स्ट टॉपिक है और इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 3x माइनस 5y is equals to minus 1, ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। देखिए अब आप फर्स्ट इक्वेशन से भी x की वैल्यू निकाल सकते हो लेकिन वो थोड़ा सा आपको कठिन टास्क पड़ेगा, अभी मैं हल्की करके दिखाऊंगा आपको, पहले इजी टास्क कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन बहुत अच्छा मुझे दिखता है तो मैं सेकेंड इक्वेशन से क्या करता हूँ x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में, तो माइनस वन तो ऐसे ही रहेगा, y राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा। मैं आपको ना इसको अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसमें, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस वाई। अब देखिए माइनस वन प्लस वाई लिखो और चाहे क्या लिखो, y माइनस वन, बात क्या है, सेम, y को पहले लिख दो और माइनस वन को बाद में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल्स टू, सॉरी ये थर्ड इक्वेशन है, x की वैल्यू y के टर्म्स में क्या आ गई, y माइनस वन। अब क्या करोगे, इस इक्वेशन को ले जाके आप देखिए जहां से आपने x की वैल्यू निकाली उसमें नहीं रखना है आपको, x की वैल्यू तो आपने इक्वेशन नंबर 2 से निकाल दी है ना y के टर्म्स में, इसको उठाकर आपको 2 में सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, इसको उठा के आपको सब्स्टिट्यूट करना है कहां, फर्स्ट में, ओके। मतलब जिस इक्वेशन से आप x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालोगे उसमें दोबारा मत रखिएगा, नहीं तो आपको वही मिल जाएगा, है ना, आप या कुछ भी मिल जाएगा, LHS equals to RHS, वो मैटर नहीं करता है। आप ये देखिए आप उस इक्वेशन में रखिए जिस इक्वेशन से आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाली है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं पुट करूं तो क्या हो जाएगा, 3, देखिए 3x माइनस, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x माइनस 5 is equals to minus 1, तो दिस इंप्लाइज 3, x का वैल्यू बताइए क्या है, ब्रैकेट में रखना है, ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू ब्रैकेट में रखिएगा, 3 ब्रैकेट में y माइनस 1 माइनस 5y is equals to minus 1, ओके। नाउ अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई इज 3y प्लस 3 के आगे प्लस लगा है तो प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए क्या हो जाएगा, देखिए y वाले को पास पास ले आइए, ओके, तो ये हो जाएगा 3y। अब देखिए जब आप पास पास लाओगे ना बस इसके पास रख दो ला के, आप इक्वल टू, ऐसा तो नहीं कि 5 माइनस 5y राइट में बैठा इक्वल टू के राइट हैंड साइड से इधर लेके आ रहा, ऐसा तो नहीं, बस इधर ही हेर फेर इसका कर रहे हो, ठीक है। तो बस आप इसको क्या कर रहे हो, रीअरेंज कर रहे हो बस, तो माइनस 5y को आगे लिख सकते हो, साइन मत चेंज करिएगा, माइनस 5y को आगे चेंज आगे ला सकते हो, साइन नहीं चेंज करेंगे, माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1। देखिए अगर ऐसा होता, मान लीजिए अगर ऐसा होता, यहीं पे मैं आपको बताता हूँ, 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 5y, अगर राइट से लेफ्ट लेके आते, मतलब इक्वल टू के राइट में माइनस 5y बैठा होता तो लेफ्ट में आता तो प्लस 5y हो जाता, लेकिन माइनस का 5y क्योंकि लेफ्ट में ही बैठा है तो बस आप रीअरेंज करोगे, जब भी रीअरेंज करोगे आगे पीछे करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ओके। तो ये हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 3y माइनस 5y कितना हो जाएगा, y को छुपा लीजिए, y से टेंशन नहीं, 3 माइनस 5 कितना होता है, माइनस 2, और y ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है, माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। अब ये माइनस का 3 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3, ठीक है। देखिए 3 को 2 के साथ ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इस 3 के पास y नहीं, ये 3 राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2, प्लस 2 ये लिखो या 2 लिखो बात क्या है, सेम। अब ध्यान दीजिए
ध्यान से सुनिए, अब ये माइनस टू है यहाँ पर, पहले आप माइनस वन से बोथ साइड क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई अगर आप माइनस वन से बोथ साइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वन इंटू टू टू होता है, टू आई इज इक्वल्स टू टू इंटू माइनस वन माइनस टू, ऐसा हो जाएगा। या सीधे शब्दों में बोलो तो जब माइनस लेफ्ट में अगर लगा हो तो वो राइट में चला जाता है, ठीक है। अब इसका एक और तरीका है, या तो मैंने माइनस वन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लिया तो ये माइनस इधर चला गया, मैंने आपको करके दिखाया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस टू आई इज इक्वल्स टू टू लिखा है, अब देखिए ये माइनस टू आपको यहां से हटाना है, तो डिवाइडिंग बाय माइनस टू ऑन बोथ साइड, लेफ्ट में भी माइनस टू से डिवाइड कर दिया और राइट में भी, अब देखिए माइनस टू से माइनस टू कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टू अपॉन माइनस टू, तो ये नीचे माइनस का साइन जो लगा है वो ऊपर आ सकता है, तो माइनस टू बाई टू कट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस वन, यहां से भी आ सकता है टू आई इज इक्वल्स टू माइनस टू आया था तो टू को कहां भेज दोगे आप नीचे, तो माइनस टू बाई टू, तो याद रखिएगा जब भी कैंसिल हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस वन आ जाएगा, याद रखिएगा जब भी आपको ऐसी, मैं एक दो प्रैक्टिस करा देता हूँ, आपको अगर ऐसी क्वांटिटी मिल जाए माइनस फाइव इज इक्वल्स टू सेवन तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय माइनस फाइव ऑन बोथ साइड, माइनस फाइव से लेफ्ट में माइनस फाइव से राइट से, तो माइनस फाइव कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सेवन अपॉन फाइव, और ये नीचे वाला माइनस आगे आ जाएगा, तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ओके। या आप इसको एक तरीके से और कर सकते थे, अगर माइनस फाइव वाई आपको दिया है सेवन इज इक्वल्स टू सेवन तो माइनस वन से पहले बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस वन से लेफ्ट में किया और माइनस वन से राइट में, तो माइनस माइनस प्लस, फाइव वाई इज इक्वल टू सेवन इंटू माइनस वन माइनस सेवन, ये फाइव नीचे चला आएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस सेवन बाय फाइव, ऐसा तो आंसर वही आएगा, ओके ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो अब y का वैल्यू आ गया, अब y का वैल्यू जो आ गया आपका माइनस वन, आप कहीं भी रख दीजिए, वन में रख दीजिए, टू में रख दीजिए, या x इज इक्वल टू y माइनस वन जो आया था, आप कोशिश करिए आप इसी में रखिए थर्ड वाले में, है ना, क्योंकि x साफ साफ आपको सीधे सीधे मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू y माइनस वन, तो y की जगह क्या रखोगे माइनस वन माइनस वन, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस टू आ गया, ओके। तो इस क्वेश्चन में x आ गया मेरा माइनस टू और y आ गया माइनस वन, तो ये आंसर लिख लीजिएगा x इज इक्वल टू माइनस टू और y इज इक्वल टू माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए मैं आंसर नोट कर देता हूँ, x आया मेरा माइनस टू और y आया मेरा माइनस वन। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा, अगर मान लीजिए कि मेरा मन करता है इस क्वेश्चन में या आपका मन करता है इस क्वेश्चन में कि आप फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालिए, ठीक है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा इजी ना पड़े शायद आपको, बट फिर भी हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ करता हूँ मैं, देखिए 3x ये 5y राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन, तो ऐसे ही रहेगा, 5y नेगेटिव है तो राइट में जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। आप 3x इज इक्वल्स टू 5y को पहले भी लिख सकते हो, माइनस वन को बाद में लिख सकते हो। अब देखिए ये 3 है, 3 को इधर भेजोगे तो डिवाइड लग जाएगा, और जब डिवाइड लगेगा तो पूरे में लगेगा, x इज इक्वल्स टू 5y माइनस वन होल डिवाइडेड बाय 3, ध्यान दीजिएगा इस बात को, आखिर ऐसा क्यों किया हमने, इधर समझिए 3x is equals to 5y minus 1 जो है डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड 3 से आप डिवाइड करोगे, मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर से यदि बोथ साइड डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है, तो 3 से 3 डिवाइड 3 से 3 कैंसिल हो गया, x is equals to क्या आ गया 5y minus 1 होल डिवाइडेड बाय 3, ये वैल्यू आपकी आ गई। मान लीजिए कि इसको अपने इक्वेशन नंबर 3 बना लिया, ओके। अब देखिए आपने x की वैल्यू कहां से निकाली थी, इक्वेशन नंबर 1 से, तो रखोगे कहां, इक्वेशन नंबर 2 में, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपकी, पहले उतार लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन है, ठीक है, तो x कितना आया है आपका इतना, तो x के नीचे इतना उतार दीजिए, क्या है 5y माइनस वन अपॉन 3, तो 5y माइनस वन अपॉन 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, 5y माइनस वन डिवाइडेड बाय 3 माइनस y को क्या लिख सकते हो y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है, 5y माइनस वन, अब देखिए 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3, तो पूरे में लगा दिया नीचे 3, और ध्यान से सुनिए एलसीएम को अगर 3 एलसीएम था, अगर आप उसको 3 से डिवाइड लगाओगे तो क्या आएगा 1, और 1 को इस पूरे से अगर मल्टीप्लाई करोगे 5y माइनस 1 को अगर पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो 5y माइनस 1 ही आएगा, तो 5y माइनस 1 ही आएगा, ये माइनस यहां उतारेंगे, ठीक है, और y इंटू, अब देखिए y के डिनोमिनेटर में कौन है 1, तो 1 से अगर एलसीएम, ये एलसीएम
3 को डिवाइड करोगे 1 3 जा 3 कितना आएगा 3 3 से y को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 into y is 3y ओके तो ये आ गया आपका 3y is equals to what minus 1 ओके अब देखिए फिर से y y वाले टर्म्स पास पास ले आइए तो 5y minus 3y इधर आके साइन चेंज मत कर दीजिएगा बिकॉज़ ये राइट हैंड साइड से थोड़ी ना लेफ्ट में आ रहा है अब सुनिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है इसे देखिए जरा इसको समझते चलिएगा एक काम करते हैं पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं 5y minus 3y क्या आ जाएगा बताइए y को छुपा लीजिए 5 minus 3 2 होता है 2y minus 1 over 3 is equals to minus 1 अब देखिए इसको ब्रैकेट में अगर मैं बंद कर लूं इसको इधर भेज दो minus 1 के नीचे क्या मान सकते हो 1 तो ये पूरा ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2y minus 1 into 1 is equals to लगा दो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 into minus 1 is minus 3 तो ये हो जाएगा 2y minus 1 अगर 1 से 1 से अगर कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी तो वही आ जाएगा 2y minus 1 is equals to minus 3 अभी यहां पे मैं एक और चीज बताऊंगा आपको उसे देखिएगा 2y minus 1 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा minus 3 plus राइट में जाएगा plus 1 हो जाएगा तो 2y is equals to minus 3 plus 1 minus 2 अब बताइए क्या करेंगे इस 2 को इधर भेज दोगे या फिर ध्यान से देखिए 2y is equals to minus 2y dividing by 2 on both side क्योंकि y से आप 2 हटाना चाहते हो तो y से 2 हटाना चाहते हो इसलिए 2 से लेफ्ट में डिवाइड लगाओ 2 से राइट में कैंसिल हो जाएगा y is equals to minus 1 हो जाएगा या सिंपल आप ऐसा भी कर सकते हो ये 2 को इधर भेज दो तो y is equals to minus 2 by 2 कितना हो जाएगा minus 1 तो y का वैल्यू कितना आ गया minus 1 ओके चेक कर लीजिए यही आना था y is equals to minus 1 अब यहां पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं उसे देखिए जरा देखिए ऐसा आया था आपका मतलब ऐसा आया था 5y minus 3y क्या होता है 2y minus 1 by 3 is equals to minus 1 अब सुनिए इसके नीचे से मुझे 3 हटाना है तो 3 इसमें डिवाइड में मतलब मैं अगर बोथ साइड 3 से क्या कर लूं मल्टीप्लाई राइट में भी 3 से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट में भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 से 3 कट जाएगा और 2y minus 1 is equals to 3 into minus 1 minus 3 वही तो आ गया यही तो आ गया देखिए 2y minus 1 is equals to minus 3 ओके ये आ गया यहां से आपने y की वैल्यू निकाल ली अब क्या करेंगे ये जो y की वैल्यू आपकी आई है कितनी आई है minus 1 मैंने निकाल के भी यहां कहीं दिखाया था यहां देखिए इसके नेक्स्ट स्टेप में y is equals to minus 1 आ जाएगा ये जो y की वैल्यू minus 1 आई है इसको उठा के आप ले जाके इस इक्वेशन में रख दीजिए जिसमें आपने x की वैल्यू निकाल ली है किसके टर्म्स में y के टर्म्स में तो x ये थर्ड वाली जो बनी है आपकी ठीक है तो x is equals to 5 into minus 1 y की वैल्यू minus 1 रखी है minus 1 over देखिए 5 into y y कितना minus 1 और ये minus ऐसे ही उतार दिया फिर 1 divided by 3 अब ये हो जाएगा 5 into minus 1 is minus 5 minus 1 over 3 देखिए minus 5 minus 1 क्या होता है minus 6 by 3 3 1 जा 3 2 जा 6 minus 2 x का वैल्यू कितना आ गया minus 2 तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे ये कौन सा मेथड है ये है method of elimination by substitution okay